बस इतना ही बोल के भेजे, बोल दिया था आप आओगे यहाँ पे, बोला था कि आप लोग पॉपुलर हो, हम लोग लाते बेटा बस हम बस इतना ही उम्मीद है। वन एग्जामिनेशन, इफ यू पास इट्स गुड, इफ यू फेल Nothing better than that. Hello everyone. हम लोग आ गए हैं सेंट पॉल्स मिशन स्कूल में एंड राइट नाउ वी हैव ऑल द गर्ल्स। सो आंटी, योर नेम? सोनाली दे, ऋतुपर्णा दे, जमुना दे, गार्गी मंडल, चैतली बैनर्जी, शबरी दे, पियाली बराल, मौसमी प्रमाणी। तो वीडियो दोनों लैंग्वेज में होगा बिकॉज आंटी लोग बंगाली है, राइट? तो सब लोग थोड़ा समझ लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा, क्या मतलब क्या आप रात जागते थे सवाल कुछ एक बार थोड़ा? एकदम कैजुअल, मेरा बेटा एकदम कैजुअल, मैं भी कैजुअल, फैमिली भी कैजुअल। आपका? वही सेम कैजुअल, ही हैज टू डू इट हिमसेल्फ, सो वॉट एवर ही थिंक्स ही विल डू इट। आई गिव हिम दैट कॉन्फिडेंस टू डू इट बाय हिमसेल्फ। ओके आंटी, आप लोगों का तुम्हारा यूट्यूब देखे? ये बहुत बढ़िया चीज है जो आंटी अभी बोला। आंटी एक बार अभी हिंदी में बोल सकते हो? बिकॉज सब बच्चे लोग ऑल इंडिया के हैं। तुम्हारा यूट्यूब देख के मेरा बच्चे। थैंक यू आंटी, मैंने पता चला हाँ आप 5 बजे आओगे। ओके ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। देखो सब लोग गुस्सा मत होना, सेंट पॉल्स है ऊपर, ठीक है? बोल दिया था आ, ना, आप आओगे यहाँ पे, बोला था कि आप लोग आ रहे हो। तो इसके बाद फ्यूचर स्टडीज के लिए आप लोग क्या मतलब क्या सोच है फॉर योर बॉय और गर्ल, मतलब क्या क्या करने वाले आफ्टर 12? मेरा बेटा बीकॉम या जिसमें भी मिलेगा उसी में जाएगा। कोई प्रेफर्ड कॉलेज? प्रेफर्ड कॉलेज तो अभी तक तो भवानीपुर है। कैमरा को इधर लेके आओ। सेंट जेवियर्स, सेंट जेवियर्स बीबीए स्टूडेंट है। बहुत बढ़िया आंटी, आपका वो सेंट जेवियर्स, सेंट जेवियर्स। अब आंटी जॉइंट के बाद बोले, जे मेंस के बाद। तो हम लोग गाइड कर रहे हैं वाले वेब जी का, वेब जी का दिन है? नहीं मैं देखा नहीं, बच्चा लोग देखा। अच्छा आंटी अपना? सेंट पॉल्स, सेंट पॉल्स। अच्छा फॉर मैंने क्या लेके, बीकॉम लेके पड़ेगा? बीकॉम। अच्छा आप लोग क्या साइंस के मम्मी लोग, कॉमर्स? अच्छा अच्छा अच्छा, सब लोग मिक्स्ड है, राइट? सब लोग मिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा मेरा थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि क्या आप लोग अपने बच्चे को, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के जमाने में देखिए ये बहुत सेंसिटिव इशू है कि कोटा में बहुत लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, राइट? बिकॉज ऑफ पेरेंटियल प्रेशर। तो क्या आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर? हम कोई प्रेशर नहीं देते, आप तो साइंस के बच्चे के मम्मी है, राइट? हां हां हां, बट कोई प्रेशर नहीं देते हमारा लड़का, सब कुछ आगे। आंटी थोड़ा आगे आ जाइए, आंटी थोड़ा आगे आ जाइए, आंटी थोड़ा। नहीं नहीं, पेरेंट्स का रिएक्शन बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग कोई प्रेशर नहीं देते, वो खुद सब कुछ करते हैं, गिटार करते हैं, कोई एक्स्ट्रा करिक सब कुछ करते हैं। क्या होगा ये सब देने से, कुछ होगा और बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, यही सबसे बड़ा बात है। दोस्तों राइट नाउ वाचिंग दिस वीडियो, जो पेरेंट्स लोग देख रहे हैं जिसका बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले, प्लीज प्रेशर मत दीजिए बच्चे। नहीं, नहीं, नहीं प्रेशर दिए आज तक अपना बच्चा को, उसका लाइफ है। वे फोन में गेम भी खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पढ़ाई के टाइम पढ़ाई भी करते हैं। बस बहुत बढ़िया है, देखो ऐसे मैंने सपोर्टिव पेरेंट्स सबको होना चाहिए उन लोगों के साथ। हम लोग भी एग्जाम हो जाएगा वो एग्जाम और अच्छा से नहीं दे पाएगा, इसलिए बच्चा को कभी भी कुछ चीज के लिए प्रेशर नहीं देना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज आंटी ने बोला है। अच्छा और एक चीज मैं पूछने वाला हूँ, क्या आप लोग अपने बच्चे को टारगेट दे लाइक 90% ऊपर लेके आना ही? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, जो मिले वही मैं खुश रहूं, हम भी खुश रहे। वो जितना लेके आया हम लोग 90% नहीं लाए तो अपना बच्चा को क्यों प्रेशर देंगे? सामने आइए, आंटी का बात मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं 90% नहीं लाए तो उसको क्यों फोर्स देंगे 90% के लिए? वो जितना लाए हम लोग के लिए इनफ बहुत है। तो उसी से इंस्पायर है हम लोग, है ना? बहुत बढ़िया चीज बोले है आंटी जी ने, ठीक है। तो सबको मैं एक ही बात बोलूंगा, मेरे वीडियो बहुत टीचर लोग भी देखते हैं, प्लीज डोंट ऑफेंड, मतलब ये एक जेन्युइन रिएक्शन है, ये होना चाहिए, मतलब ये अवेयरनेस जो पेरेंट्स में है राइट नाउ आफ्टर डूइंग दिस बोथ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो फिर भी कोई टारगेट मतलब कितना कर सकते हैं या फिर कुछ भी? पास कर लो, उल्लैया मार लगा दो बेटा, बस इतना ही बोल के भेजे। यू हैव टू पास, जो भी होगा देखा जाएगा। या पार लगा दे बेटा बस, हम बस इतना ही उम्मीद, बस हम तुम्हारे साथ हैं, बस एग्जैक्टली एंड वन शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, राइट? नो नो, इट्स ओनली वन एग्जामिनेशन, इफ यू पास इट्स गुड, इफ यू फेल नथिंग बेटर देन दैट। That's a great thing. So thanks a lot. अभी बच्चे निकल रहे वाले हैं. And thanks a lot all the aunties. Please आप अपने बच्चे को भी बोलिए. Thank you. जो आप हम लोगों के साथ इतना सा टाइम में स्पेंड किए. अच्छा क्या मतलब पढ़ाई सबको अच्छा लगता है मतलब आंटी जी को? तुम तो हो भाई, भाई बहन के तुम तो हो. आपको पहचानते हैं लेकिन आप वही है ये नहीं पहचानते. Thanks a lot and for getting the genuine reaction. So अभी बच्चे निकलने वाले, उन लोग का लेंगे reaction. Thank you.